नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सारे दल जुट गए हैं और दल बदल बहुत तेज हो गई है। सबसे ज़्यादा भागदौड़ मची है जेडीयू आरजेडी में। जेडीयू आरजेडी के विधायक खूब पाला बदल रहे हैं। आरजेडी के विधायक जेडीयू में जा रहे हैं, जेडीयू के विधायक आरजेडी में जा रहे हैं और लगातार दो तीन विधायक पाला बदल रहे हैं। कल का दिन बहुत अहम है, खास है आरजेडी और जेडीयू दोनों के लिए, क्योंकि कल आरजेडी के दो विधायक और बड़े नेता जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। खबर के अनुसार लालू यादव के समधी चंद्रिका राय जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। चंद्रिका राय के अलावा दो दूसरे विधायक भी जेडीयू में कल शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि आरजेडी के विधायक जयवर्धन यादव भी आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं, कल ही वो शामिल हो सकते हैं। और जयवर्धन यादव पुराने कांग्रेसी दिग्गज दिवंगत रामलखन सिंह यादव के पोते हैं और इसके अलावा फराज फातमी भी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, जो पूर्व आरजेडी सांसद फातमी के बेटे हैं। तो तीन जेडीयू में विधायक जा रहे हैं आरजेडी के। ये आरजेडी के लिए बहुत बड़ा तगड़ा झटका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू यादव के समधी चंद्रिका राय जा रहे हैं। चंद्रिका राय छपरा से विधायक हैं, परसा विधानसभा क्षेत्र से, और उन्होंने फरवरी में ही आरजेडी छोड़ दी थी। तेज प्रताप के ससुर हैं और तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच रिश्ते बेहद ख़राब हो गए हैं। मामला तलाक लेने तक पहुंच गया है। तलाक का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इसी दौरान ऐश्वर्या राय ने लालू परिवार पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, प्रताड़ना का आरोप लगा दिया है। मुकदमा भी चल रहा है, जिसके बाद चंद्रिका राय ने आरजेडी छोड़ दी थी। अब वो आरजेडी को छोड़कर जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, तो ये आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। जयवर्धन यादव पटना के पालीगंज से विधायक हैं आरजेडी के, जबकि केवटी से आरजेडी के विधायक हैं फराज फातमी। दोनों कल जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। वैसे इनको पार्टी से पहले ही निष्कासित किया जा चुका है। फराज फातमी आरजेडी के पूर्व सांसद और एक वक्त लालू यादव के सबसे करीबी रहे अशरफ अली फातमी के बेटे हैं। तो तीन बड़े नेता आरजेडी से जेडीयू में जा रहे हैं। तो लगातार जेडीयू आरजेडी के बीच भगदड़ मची हुई है। आपको मैं लगातार बताता रहा हूँ कि पिछला चुनाव जो हुआ था विधानसभा का, उसमें नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे। तो उस चुनाव में बहुत ऐसे आरजेडी के प्रत्याशी हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी से गठजोड़ होने के कारण जीते थे, और बहुत ऐसे जेडीयू के विधायक हैं जो आरजेडी से गठजोड़ की वजह से जीते थे। अब उन विधायकों को लगता है कि ये गठजोड़ टूट गया है तो वो हार जाएंगे और अनुकूल समीकरण की तलाश में जुटे हुए हैं, और इसीलिए सबसे ज़्यादा भागदौड़ मची है जेडीयू और आरजेडी के विधायकों में। बाकी किसी भी पार्टी के विधायक पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, केवल जेडीयू आरजेडी में लगातार टूट हो रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।